हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्शन का रिएक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट का फर्स्ट ट्यूटोरियल जो है देने वाला हूं, और आने वाले टाइम में आपको इसी तरह का एडोबी आफ्टर इफेक्ट और बहुत सारे जो VFX से रिलेटेड आपको वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करके अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैं किस तरह का वीडियो कंटेंट अपलोड करता हूं, किस तरह का वीडियो एडिटिंग करता हूं। तो आपको इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से मैं अपना वीडियो, किस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। और आप अगर नए हैं तो आप मेरी चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ़िलहाल जो है, मैं पिछले लगभग कि 8-9 महीने से जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट पे वीडियो एडिटिंग करता हूँ, और इससे पहले जो है मैंने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे जो है मैंने काइन मास्टर से ज़रिए वीडियो एडिटिंग किया था, और लोगों को पसंद भी बहुत आता था। और अभी रिसेंट टाइम में जो है मैं अपना जितना भी एडिटिंग है वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट और बहुत सारे और भी जो है एप्लीकेशंस हैं, सॉरी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, उसकी मदद से मैं अपना वीडियो जो है एडिट करता हूं। तो चलिए, एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो बेसिक ट्यूटोरियल है, जो बेसिक है, वहां से स्टार्ट करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको और आगे की जो ट्यूटोरियल है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको मैं बता सकूँ। तो फ़िलहाल दोस्तों, मैंने जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट 2017 जो है उसको मैं अपने पीसी में इंस्टॉल कर चुका हूँ। किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट में ये मत पूछिएगा कि किस तरह से फ्री या क्रैक वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं यूट्यूब पे बताना लीगल नहीं है, और इसके लिए जो है मेरे चैनल को जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो है आप खुद देख लीजिए, आपको अपने पीसी में एडोबी आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल करना है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे परचेस करके कीजिए, क्योंकि क्रैक वर्जन या किसी भी जो है फ्री वाला जो होता है वो आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है दोस्तों, तो उसका भी आप ध्यान दीजिए। आपके पास अगर पीसी या कंप्यूटर है, फिर भी अगर आपके कंप्यूटर या पीसी में वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो आपका जो पीसी है वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं होगा। तो मैंने जो अपना पीसी बनवाया है, मैंने पूरा ध्यान दिया कि मेरा जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट है, या फिर सोनी वेगा, या फिर बहुत सारे ब्लेंडर, तो ब्लेंडर में खैर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर बहुत सारे और भी जैसे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम VFX वगैरह एडिटिंग कर सकते हैं, तो उस तरह का जो भी सॉफ्टवेयर है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने मिनिमम से मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने अपना पीसी जो है कॉन्फ़िगरेशन करके बनवाया है। एडोबी आफ्टर इफेक्ट के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है, वो 8 GB रैम, और उसके बाद में 2 GB का ग्राफिक कार्ड, उसके अलावा दोस्तों आपका 64-bit का कंप्यूटर होना चाहिए। 32-bit में आपको शायद मिलेगा, मगर मुझे नहीं लगता कि 32-bit जो है वो सही रहेगा। 64-bit का जो है आपको कंप्यूटर चाहिए, 8 GB का रैम चाहिए, 2 GB का मिनिमम, ये जो बता रहा हूँ ये सब मिनिमम है, मिनिमम 2 GB ग्राफिक कार्ड, और बिना ग्राफिक कार्ड का जो है ये ओपन नहीं होगा, मैंने ट्राई कर चुका हूँ, तो बिना ग्राफिक कार्ड का ये वर्क नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप अपना एडोबी आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होगा, और फिलहाल जो है यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपको। तो आप जो भी वीडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल जो है आप यहाँ फाइल पे क्लिक करके यहाँ से नीचे में जो है आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंपोर्ट में क्लिक करके यहाँ से जो है आप अपना कोई भी फोल्डर या फाइल से जो है आप सिलेक्ट करके अपना जो भी वीडियो है इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है फाइल इंपोर्ट करने का, या फिर ये वाला पैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ आपको ब्लैंक पैनल है, तो यहाँ जो आप अगर डबल क्लिक करेंगे तब भी आपको जो है ये ओपन हो जाएगा। तो ये एक इस तरह से जो है आप अपना कोई भी वीडियो या प्रोजेक्ट है तो उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपना कोई वीडियो एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो
तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा क्लिक यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप सिंपली इसको जो डबल क्लिक करके यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ से जो है आपका वीडियो प्रीव्यू हो जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको जो है किस तरह से Adobe After Effects में क्रोमा की जो है वो उसको किस तरह से क्रोमा की करेंगे तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल जो है हमारा क्लिप यहाँ आ चुका है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हम दो तरीका जो है यूज कर सकते हैं अपने वीडियो का जो कंपोजिशन बनाने के लिए। या तो अगर हमको यही वीडियो का जो स्क्रीन साइज है इसी साइज़ में अगर बनाना है तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है तो यहाँ लेके हमको छोड़ देना है। और ये ऑटोमेटिक जो वीडियो का जितना लेंथ है और जितने भी लेंथ है वो साइज का और स्क्रीन साइज का जो है ये कॉम्पोजिशन जो है ये क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ कॉम्पोजिशन में जाके न्यू कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप जो कॉम का नेम है तो कॉम्पोजिशन का नेम यहाँ दे सकते हैं कोई भी। और यहाँ से जो है आप प्रीसेट में यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से रखना है। यहाँ वेट और हाइट आप देख सकते हैं किस रिजोल्यूशन में बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको स्टार्ट टाइम 00 है और ड्यूरेशन कितने सेकंड का या कितने मिनट का बनाना है तो वो देख सकते हैं। तो फिलहाल ये 30 सेकंड का सिलेक्ट है। और यहाँ से जो है बैकग्राउंड कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। और इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ये जो है आपको इस रेजोल्यूशन में आपको जो है आपका कॉम्पोजिशन बन जाएगा। तो इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने वीडियो को यहाँ जो है ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अगर इसको स्क्रीन में फिट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके उसके बाद में अपने कीबोर्ड में एस को प्रेस कीजिए तो इस तरह का स्केल आपको ऑप्शन नज़र आएगा। और यहाँ से आप जो है इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरह से जितना आपको चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो है हम इसको स्क्रीन में फिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम जो है आज किस तरह से हम क्रोमा की करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको डिलीट करना है, ठीक है, तो रिमूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मुझको वीडियो क्लिप चाहिए तो मैं जो इस वीडियो का टाइमलाइन यहाँ से ले सकता हूँ। और इसमें जो है किस तरह से हम कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से स्प्लिट लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि दो जो है पार्ट बन चुका है। आप चाहें तो नीचे वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कि हमको यहाँ से शुरू करना है तो इस वाले ऑप्शन को भी आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। और कहाँ तक आपको रखना है वो देख लीजिए। मान लीजिए मुझको यहाँ तक का क्लिप चाहिए तो यहाँ जो आखिर का टाइप जो ये लाइन है इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपने माउस की क्रॉसर जो है उसको राइट साइड क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आपको ऑप्शन आएगा ट्रिम कम टू वर्क एरिया। इसको हम जब क्लिक कर देंगे तो हमारा जो कॉम्पोजिशन जो है वो इतने एरिया का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अब जो है इतने एरिया में हम वर्क कर सकते हैं दोस्तों। अब जो है हमको इसको क्रोमा की करना है, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन में आपने वीडियो बनाया है तो उसको किस तरह से क्रोमा की करेंगे। हम यहाँ से जो है इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हमको अपना वीडियो का जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको जो है किंग का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ आप क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपको जो है की लाइट जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्रोमा की के लिए ये जो है ये मैं यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो आप भी जो है आज इसी के बारे में मैं सिखाने वाला हूँ। तो की लाइट पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में इस तरह से जो है आपको यहाँ इफ़ेक्ट कंट्रोल में ये इस तरह से आपको विंडो ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ जो पेन का मार्क है यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और पेन को लेकर आपको जिस भी कलर को रिमूव करना है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ से क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि अपना जो बैकग्राउंड कलर वो रिमूव हो चुका है, मगर अभी भी जो है कुछ चीज़ें बाकी है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ नीचे आपको ग्रीन जॉइंट का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है स्क्रीन बैलेंस, इसको भी आप जो है कम बेसी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे और स्क्रीन मैट का ऑप्शन एक आएगा, तो यहाँ क्लिप करने के बाद में यहाँ क्लिप ब्लैक जो है इस यहाँ से भी आप जो है, तो ब्लैक पे अगर आप बढ़ाएंगे तो जो ब्लैक है वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी जो है कर सकते हैं। यहाँ वाइट जो है, क्लिप वाइट जो है, इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स है दोस्तों परफेक्ट क्रोमा की के लिए। तो ये सारे चीज़ों को जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो है ये ऑप्शन है। इसके बाद में आपको फोरग्राउंड कलर करेक्शन, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे और इनेबल कलर करेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। सेचुरेशन, तो ये 100% है, इसको कम बेसी करेंगे तो कलर जो है देख सकते हैं माइनस हो रहा है, तो इसको जो है 100 पे ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ से कंट्रास्ट चाहे तो आप कम बेसी कर सकते हैं, तो ये कलर करेक्शन का ऑप्शन है। यहाँ से ब्राइटनेस कम बेसी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ऑप्शन है, यहाँ से जो है आप अपने जो क्रोमा की जो आप करते हैं तो उसको परफेक्टली कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ऑप्शन। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है इसको मैं यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और एक तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूँ जो और भी इजी है, मगर थोड़ा सा ये है। मान लीजिए कि अभी हम इसको क्रोमा की करने के बाद भी ये वाला ऑप्शन जो है, ये तो क्रोमा की में निकल जाएगा मगर ये ऑप्शन जो है रह जाएगा, तो इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए आपको पेन टूल सिलेक्ट करना है, और चलिए स्क्रीन को जो है हमने माउस का जो ऊपर का रूलर है, जो रूलर को कम बेसी करके यहाँ से स्क्रीन को जो है कम बेसी हम कर सकते हैं। तो थोड़ा छोटा साइज कर लेते हैं स्क्रीन को, और यहाँ से पेन में जो है हम इस तरह से यहाँ वीडियो लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस तरह से हम उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जितना एरिया हमको चाहिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो रिमूव हो गया है। और इसके बाद में जो है हम यहाँ से इफ़ेक्ट में जाके, की में जाके, यहाँ से की लाइट 1.2 इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है पेन टूल लेने के बाद में हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से जो है जो अपना एडजस्टमेंट है उसको करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, तो इस तरह से जो है हमारा हो गया। अब दोस्तों हमने जो पेन का टूल लिया है इसको हम चाहें तो कम बेसी कर सकते हैं, जैसा हमारा वीडियो क्लिप है उसमें यहाँ जो है ये कट रहा है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, हमने क्रोमा की कर लिया है। अब हम दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो के बैकग्राउंड में जो है कुछ इमेज या कोई वीडियो क्लिप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल में प्रोजेक्ट जो है वहाँ क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, एक प्रोजेक्ट जहाँ से हम जो है अपना कोई भी वीडियो इमेज वगैरह जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये इफ़ेक्ट पैनल है। इफ़ेक्ट पैनल ये है कि जिस भी लेयर में आपने जो कुछ भी इफ़ेक्ट यूज़ किया है तो वो जो है आपको यहाँ दिखाएगा। जैसे कि हमने इस वीडियो पर हमने फ़िलहाल
की लाइट का जो है ये ऑप्शन यूज़ किया है, ये इफेक्ट यूज़ किया है। और यहाँ से प्रोजेक्ट में जाते हैं। प्रोजेक्ट में आने के बाद में यहाँ प्रोजेक्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो फिर से आपका जो है वीडियो इंपोर्ट का, वीडियो फाइल या कुछ भी इंपोर्ट का आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी वीडियो इमेज वगैरह जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ इस टाइमलाइन में ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है दोस्तों। आप चाहें तो वीडियो क्लिप भी ले सकते हैं, फ़िलहाल मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ। और इसका जो है हमको स्केल करना है तो यहाँ सिंपली इसको क्लिक करके अपने कीबोर्ड पे एस क्लिक कीजिए, एस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से स्केल जो है आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा जो है बैकग्राउंड आ गया। और आप चाहें तो इसको भी एडजस्टमेंट करना है तो ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको पकड़ के आप अपनी इमेज को या वीडियो को जो भी है उसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से हम की जो है कि क्रोमा की कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। और आने वाले टाइम में इसी तरह का जो है बेसिक ट्यूटोरियल से शुरू करके आपको जो है मैं जो भी वीडियो एडिटिंग करता हूँ उसका ट्यूटोरियल वगैरह जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का देने का कोशिश करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो ट्यूटोरियल है, जो भी उसका जो बेसिक से लेके जो भी ट्यूटोरियल जो भी मैंने सीखा है वो आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप भी मेरी तरह जो है वीडियो एडिटिंग कर सकें और आने वाले टाइम में आप भी बढ़िया सा VFX बना सकें। तो आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।